अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख अमीर हमजा शेख नदीम और मैंने इब्तदाई तालीम अलहमदिल्ला चिनावल गांव से जिला परिषद से सबसे पहले इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद जो है हाई स्कूल के अंदर खिजर उर्दू हाई स्कूल, यहाँ से 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मेरा जो तालीम हुआ अलहमदिल्ला। और उसके बाद जो है मैंने जलगांव से जूनियर कॉलेज एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, वहाँ से जो है अलहमदिल्ला 11th और 12th मेरा पास हुआ। 2015-16 के अंदर 12th पास हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है सीईटी एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर आया। उसके बेसिस पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिला। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है गेट एग्जामिनेशन की भी तैयारी की और गेट एग्जामिनेशन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रैंक आने की वजह से मुझे जो है मास्टर्स के लिए NIT तिरुचिरापल्ली के अंदर जो एडमिशन मिला। और उसी के साथ साथ कोविड के टाइम्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है रुझान जो है MPSC की तरफ बढ़ा और मैंने MPSC की तैयारी भी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले जो उसके अंदर स्टेप्स होती है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद जो है मेंस जो है वो टोटली पूरा की पूरा जो तुमने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े हैं उस पर डिपेंड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो ना तो टेक्निकल तो अल्हम्दुलिल्लाह होता ही है स्ट्रांग, अगर आप अच्छे से इंजीनियरिंग करते हो या कोई भी आपकी जो फील्ड है उसके अंदर करते हो तो मेंस तो अच्छे से क्लियर कर लोगे आप। लेकिन सबसे पहले मुश्किल काम ये होता है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। तो प्रीलिम्स के लिए आपको जो है पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मतलब जनरल स्टडीज की जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको आपको अच्छे से करना होता है। करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस करना होता है, ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो भी मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल में हर कोई अच्छा नहीं होता। तो टेक्निकल में आपका जो है पूरी इंजीनियरिंग के अंदर आपने जो पढ़े हैं उसको आपको वो करना होता है। तो वो भी इंशाल्लाह अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई हो जाते तो आपको मौका मिलता है मेंस के अंदर आप तैयारी करके अगर अच्छे से कर लोगे तो आप इंशाल्लाह कर सकते हो। उसके बाद जो इंटरव्यू है और उसके बाद इंटरव्यू के अंदर इंशाल्लाह फाइनल सिलेक्शन होता है। सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा से कमतरी में बिल्कुल मुब्तला ना हो। ऐसा ना सोचे कि हम जो है उर्दू मीडियम से आके जो है हम कैसे कन्वेंट के बच्चे से जो कैसे कम्पीट करेंगे या मराठी मीडियम के जो टैलेंटेड बच्चे उनसे कैसे कम्पीट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है एक बार अगर जाहिर सी बात है आप जो है उर्दू मीडियम से आए तो आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो उसके बाद जो है जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस रहे। गाइडेंस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो भी उस रिलेटेड वर्क है माहिर है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इस चैनल के जरिए से बताना चाहता हूँ जो तलबा तालिबात इस MPSC या UPSC जो भी एग्जाम्स हो कॉम्पिटिटिव उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसे ना डरे। जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया, आप में भी वो पोटेंशियल है जो कि अनटच्ड है, तो आप उसको जो है एक्सप्लोर करें, उसको जो है निकालें अपने अंदर से और उसकी तैयारी करें इंशाल्लाह। और आगे इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट राउंड है वो इंटरव्यू है, तो इंशाल्लाह आपसे सबसे दरख्वास्त है कि आप इंशाल्लाह उसके लिए दुआएं भी करें।